हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कंपटीशन वेल। आज गेट 2021 का एग्ज़ाम हुआ था, फर्स्ट शिफ्ट का, जिसका हम लोग रिव्यू लेने आए हैं। ये देख सकते हैं आप लोग, एग्ज़ाम बहुत ही जल्द छूटने वाला है, तो जैसे ही बच्चे आते हैं मैं रिव्यू लेना स्टार्ट कर दूंगा। आपका नाम? अजय प्रताप सिंह। किस सब्जेक्ट से सर? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से। तो आप बताइए किस तरह से पेपर आया था? पेपर ठीक था वैसे, मतलब ज़्यादा लेंदी भी नहीं था जी, और इसका न्यूमेरिक जस्ट जो जनरल एप्टीट्यूड है ईजी था जी, मतलब उसमें फुल मार्क्स आ सकते हैं। और मैथ्स में भी मतलब मैथ्स उतना ईजी नहीं था जैसे और साल आता जी था। जी, इस बार काफ़ी कैलकुलेटिव था और बस अलग। तो आप और लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे, किस तरह से तैयारी की जाए? इसमें तो वही मतलब ये है कि ऐसा ना समझे कि न्यूमेरिकल बहुत हार्ड ही आएंगे, सब हो जाते हैं जब यहाँ पर आकर देखते हैं, तो बस प्रैक्टिस ही करनी चाहिए जितना कर सकते हैं। तो इसमें किस तरह से तैयारी की जाए कि अच्छे से निकाल सकें? वही सब पीवी सर के पेपर और टेस्ट सीरीज वही फॉलो करते हैं सर। ठीक है, थैंक यू। आपका नाम? हर्षिता तिवारी। पेपर किस सब्जेक्ट से थे आप? इलेक्ट्रिकल। कैसा पेपर आया? पेपर नॉर्मल था, खास टफ नहीं था, लेकिन एमएसक्यूज की वजह से लग रहा था कि एमएसक्यूज, लेकिन उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी तो ठीक था। किस पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चंस लगे आपको? पावर सिस्टम इलेक्ट्रिकल मशीन। थैंक यू। आपका नाम? मेरा नाम विशाल है। तो किस सब्जेक्ट से आप? मेरा इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट है। किस तरह से पेपर आया था? पेपर ठीक था, एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चन आए थे जी, और बाकी पेपर मॉडरेट था, मॉडरेट, ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं थी। तो किस तरह से मतलब बच्चों को तैयारी करनी चाहिए कि अच्छे से निकाल सकें पेपर? अपने पहले कोर सब्जेक्ट्स अच्छे से प्रिपेयर करने चाहिए जी, मतलब टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए अच्छे से, मतलब पूरे सब्जेक्ट अपने पहले प्रिपेयर करने चाहिए, और बाकी एप्टीट्यूड भी अपना स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए। लगभग मिनिमम कितना टाइम तो देना ही चाहिए तैयारी में? किस आपके हिसाब से? इलेक्ट्रिकल में आपके हिसाब से किसी भी सब्जेक्ट में? सर देखिए, टाइम तो अब क्या है, जब तक पूरा सेटिस्फाइड ना हो जाए आप, जैसे जब आपके क्वेश्चन ना लगने लगे, अनसॉल्व क्वेश्चन आपको ज़्यादा लगने लगेंगे, तो मतलब आपकी तैयारी अच्छी चल रही, तब तक आपको प्रिपेयर करना है, कोई फिक्स टाइम नहीं है इसका कब तक आप प्रिपेयर करें। थैंक यू। आपका नाम? निशांत श्रीवास्तव। तो कैसा पेपर रहा आज का? बहुत बढ़िया था। किस टॉपिक से थे आप, किस सब्जेक्ट से? कंट्रोल सिस्टम से आए थे, मशीन से आए थे। तो कैसा पेपर लगा? मैथमेटिक्स के आए थे, एवरेज पेपर था एंड थोड़ा टफ भी था, क्योंकि न्यूमेरिकल बेस्ड जितने भी थे, एनईटी बेस्ड, तो वो वाले एबिलिटी वाले थोड़े से टफ थे। तो आप एमसीक्यू और एमएसक्यू वो ठीक थे। तो आप और लोगों को क्या सलाह देंगे, किस तरह से तैयारी की जाए? देखिए, मान के चलिए कि आपको कम से कम कुछ नहीं तो 6 से 8 महीने तो लगेंगे, आपको लग करके जो है अपने ग्रेजुएशन टाइम से ही प्रिपरेशन करना पड़ेगा जी, थर्ड ईयर के बाद से, क्योंकि मैं 2017 का पास आउट हूँ जी, तो इस साल मैं फर्स्ट टाइम देने आया, मैंने कभी दिया नहीं था गेट का जी, तो बट एक्सपीरियंस अच्छा रहा, नो डाउट। अभी तक तो मैं एक जगह सर्विस कर रहा था, तो मैंने कहा कि चलो यहाँ पर ट्राई करके देखते हैं क्या है जी अगर बाई चांस अगर कुछ हो ही गया तो फिर क्या दिक्कत है। थैंक यू। ओके, जैसा कि आपने देखा मैंने रिव्यू लिए, तो बच्चों ने बताया कि पेपर ना ही बहुत ज़्यादा कठिन आया था, ना ही बहुत ज़्यादा सरल आया था। तो इस तरह के रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल का नाम है कॉम्पिटिशन वर्ल्ड। थैंक यू।